समय मणिपुर में प्रॉब्लम था, इसके लिए हमारा बिजनेस डिले हुआ है, लेकिन अब मैं उसमें और कुछ बात नहीं करना चाहता। हमारा तो भी करा होता है, वहाँ मीटिंग क्या रिजल्ट आया है? देखिए, हम लोग ने अपना बात के लिए रखा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स बट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर आवर ग्रेटर पीपल लैंड डिमांड, जो हमारा कोर डिमांड है। पहले हमारे कम्युनिटी को कुछ दीजिए, हमारे त्रिप्रसा को कुछ दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे सरकार में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। और अगर हमारा डिमांड नहीं हुआ पूरा तो हमारे पास ऑल ऑप्शंस आर ओपन, और ये बात हमने क्लियर रखी। त्रिप्रसा लोग 70 साल से सफ़र करते आए हैं, हमने उनको एक कमिटमेंट दिया था, और बिना वो कमिटमेंट पूरा होके हम गवर्नमेंट पे नहीं बैठे। महाराज, दूसरा एक सवाल है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ड्राफ्ट को आने दीजिए, कागज़ को आने दीजिए, हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसमें मैं कमेंट करूंगा। जहां तक महिला का बात है, अगर महिला को प्रोटेक्शन देना है हिंदुस्तान में तो महिला को प्रोटेक्शन देना चाहिए, जेंडर पैरिटी होना चाहिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इक्वल लॉस वुमेन होना चाहिए। जहाँ तक रहा कस्टमरी लॉ का, तो हमारे त्रिप्रसा का कस्टमरी लॉ जो है, हमारे जो एसटीज़ के नॉर्थ ईस्ट में कस्टमरी लॉ है, उसको भी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए, और वो अद्भुत है, उसका भी देखना चाहिए। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट निकाल के लाने दीजिए, उसी के बाद मैं कमेंट करना चाहूँगा। महाराज, और जब मीटिंग में सिर्फ क्या गेटर ट्रिपल लाइन के ही बारे में बात हुआ या इंटरलोकेटर या दूसरा कोई कब्बरक लैंग्वेज जो था उसके बारे में बात?